ये दूसरी मीटिंग थी, पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी, तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी, आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है। तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी, और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे।